हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EduTap। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बड़े दिनों के बाद मैं एक लेक्चर बनाने जा रहा हूं पेपर वन वालों के लिए। काफ़ी डिमांड थी कि सर पेपर टू के लिए आप पढ़ा रहे हो, पेपर वन के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हो, क्या कोई नाराज़गी? ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है स्टूडेंट्स। तो पेपर वन में मैंने प्लान किया है कि पेपर वन में मैं किस तरीके से शुरुआत करने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस हो तो आप लोग बता सकते हैं। कैसे प्लान किया है कि सबसे पहले तो मैं 2016 से स्टार्ट करूंगा, 2016 से, ठीक है। ये मैं पहले बता देता हूँ, पेपर वन, ठीक है। और ये हमारी मैथ की प्लानिंग रहने वाली है कुछ, कि किस तरीके से हम लोग मैथ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जैसे 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन मैथ के आए थे, 10-15 जो भी क्वेश्चन थे मैथ के, वो सारे डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक से रहे होंगे। ऐसे ही फिर 2017 के जो पेपर में आया होगा, 2017 में नहीं हुआ था, 2018 के जो पेपर रहा होगा, 2014, 2015, तो ये सारे के सारे पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज थोड़ा बताऊंगा आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स बात रहेगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं वही मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। इस तरीके से रहेगी हमारी चीजें। और जब तक आपका पेपर आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर वन वालों के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा पेपर वन वालों के लिए भी, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ठीक। तो आज मैं आपको 2016 मैं बता देता हूं, आपको जो पेपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पेपर जो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पेपर वन 2016 में जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारे ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे सामने रखे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा और वो सारी की सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने आ रहा है, मैं लिख देता हूं, चलिए। तो स्टूडेंट्स 2016 में जो पहला क्वेश्चन आया था मैथ कंटेंट से वो क्या था? फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस इज, ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, यहां पे मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूं। 5 की जो है वो कौन सी वैल्यू चाहिए? प्लेस वैल्यू चाहिए, 5 की प्लेस वैल्यू चाहिए। और किस में चाहिए प्लेस वैल्यू? 2929503 इसमें चाहिए प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होता है कि जहां पे 5 लिखा है वो 5 लिख दीजिए और जितनी भी आगे डिजिट है उतनी 0 लिख दीजिए, ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जहां पे वो रखा हुआ है उसके, अगर कोई किसी घर में रहता है, कोई बंदे का घर है अपना, तो वो जो घर है उसका जो एड्रेस है वो उसकी प्लेस वैल्यू एक तरीके से, और वो जो बंदा खुद है वो उसकी फेस वैल्यू है। ये बात समझ में आई? तो यहां पे है, ठीक है, ये आ गई 5 की कौन सी प्लेस वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए 7 की कौन सी वैल्यू चाहिए? 7 की चाहिए फेस वैल्यू। मैंने बताया वो बंदा खुद अपनी फेस वैल्यू होगा, मतलब यहां पे 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, चाहे कुछ भी एक्सप्रेशन आपके कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है उसकी 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। इसने कहा है कि इन दोनों का क्या बताना है? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब बड़ी वैल्यू से आप क्या करो, छोटी वैल्यू को माइनस कर दो। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 493। तो आप देख रहे हो कि पहला ही क्वेश्चन बहुत आसान था 2016 का, क्लियर। पेपर वन में टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आसान ही आते, ये समझ में आ गया आपको। तो दूसरे क्वेश्चन पे मैं चलता हूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर टू जो था वो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ वंस टेंस एंड हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, इस तरीके से था। क्या क्वेश्चन है दिया हुआ है यहाँ पे आपको, देख लीजिए, 30028 इक्वल्स टू 28 months प्लस 28,000 प्लस, ये ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे टेंस दिया गया है, देन द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस इज, ये ऑप्शन है 2016 के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से कहानी बनती है ध्यान से सुनो। तो इसने कहा कि 30028 इक्वल्स टू, अब इसने कहा 28 months, क्या कहा इसने? 28 months। तो आपने कुछ नहीं करना, वन की वंस है तो वन लिख दीजिए, 28 months प्लस, इसने कहा 28,000, तो आपने 28 into 1000 कर देना है, क्या कर देना? 28 into 1000 प्लस, क्या कहा इसने? टेंस। यहां पे क्या आ जाएगा? ब्लैंक स्पेस है, मैं मान लेता हूं x,
तो एक्स टेंस, यहां पे बात समझ में आई आपको, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 300 28 28 ones तो 28 ही रहेगा, प्लस 28 into 1000 तो 28000 हो जाएगा, प्लस 10 into x हो जाएगा। ये मैंने 10 को पहले लिख लिया, x को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो, प्रॉपर सॉल्व करके बता रहा हूं, आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28028 प्लस कितना हो जाएगा, 10x। अब स्टूडेंट्स ये चीज जो है ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 10x इक्वल्स टू 30028 माइनस 28028। बात समझ में आई? तो क्या हो गया, 10x इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना रह जाएगा, 2000 बच रहा है या नहीं बच रहा है, तो ये कट हो गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू कितनी बची, 200। ये बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया? कुछ नहीं है, अगर वंस है तो वन लिख लीजिए, थाउजेंड्स है तो 28000, यहां पे क्या था एक्स टेंस तो एक्स इंटू 10, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैंने पहले ही बताया पेपर वन में टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल प्लस माइनस के क्वेश्चन होते हैं काफी सारे, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपके सामने क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए, 603 into 28 equals to 63 into 4 into, और ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक्स है। क्लियर, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो अब क्या है कि अगर आप 4 से कट कर रहे हैं तो 4 से कट हुआ तो ये कितना हुआ, 7, फिर 7 से कट हुआ तो 9, और स्टूडेंट्स अगर 9 से कट हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 67। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 67, और मुझे x की ही वैल्यू निकालनी थी, ये मेरा आंसर आ गया। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं आपको बताऊं हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा कोर्स है ठीक है, उस कोर्स के अंदर मैंने 15 टॉपिक बनाए हैं पेपर वन के। कितने टॉपिक है, 15 टॉपिक ठीक है। आप किसी से पूछोगे कि कितने टॉपिक पढ़े तो सब कहेंगे 2-3 टॉपिक, लेकिन हम लोगों ने 15 टॉपिक बनाए हैं। एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन वहां पे लिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोर्स से भी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो सारे आपकी उंगलियों पर होंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएम एचसीएफ से स्टूडेंट्स। तो एलसीएम एचसीएफ जब आपको डिटेल में अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहां पे एलसीएम एचसीएफ का क्या क्वेश्चन है, 2016 पेपर वन मैथ, ये हम लोग कर रहे हैं याद रखना। कह रहा था स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है स्टूडेंट्स किसका, 30, 45 और 60 का। लेकिन जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है ये कहा भी गया है बिटवीन 200 एंड 400, तो जो भी आएगा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन वो किसके बीच में होना चाहिए, 200 एंड 400 के बीच में होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इसका कॉमन मल्टीपल लेना है। अब आप एक चीज देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है, ये क्या है यहाँ पे 60 और ये क्या है 30, तो 60 के अंदर 30 ऑलरेडी है या नहीं है, तो आप इसे छोड़ दो। बात समझ में, आप इसे छोड़ दो, तो आपने मतलब 45 और 60 का एलसीएम लेने के लिए दोनों का रेशियो लिख लेना है। यही तो बताया था मैंने, रेशियो लिखेंगे, 5 से जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये 5 से पहले मैं इसे 5 से कट कर देता हूं, या 15 से जाएगा तो कितना बचा 3:4। अब आप 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए या 45 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो इसका ये मैंने बताया हुआ है आपको, बहुत अच्छे से पहले भी क्लास ली है और कोर्स के अंदर भी बताया है कि इसका जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा 180। लेकिन स्टूडेंट्स क्या 180 200 और 400 के बीच में है, नहीं, तो इसीलिए मैं 180 का डबल लेता हूं, 180 इंटू 2 कितना हुआ 360। तो 360 एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जो 30 का भी मल्टीपल है, 45 का भी और 60 का भी, और 200 और 400 के बीच में आता है, आता है या नहीं आता है। तो ये जो पहला यहां तक बात कही थी इसने, ये तो सॉल्व हो गई, कितना आ गया 360 आ गया। अब स्टूडेंट्स दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ निकालना है, अगर देखे 15, 24 एंड 45 का, इनका क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। अब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताई हुई है, क्या कि जो भी सबसे कम डिफरेंस है वो दो नंबर चुनिए जिनका सबसे कम डिफरेंस है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जो है वो दो नंबर कौन है, 15 और 24, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना हुआ, 9। अब आप एक बात देखिए, क्या 9 से 15 डिवाइड होता है, 24 नहीं 45 होता है, मतलब 9 इनका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो 9 का फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 और 3 बाई 3 इंटू 3 9 होते हैं। तो इसका मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मे बी डिफरेंस ऑफ नंबर्स और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस लिया तो ये तो एचसीएफ नहीं है, इसका कोई एक फैक्टर एचसीएफ होगा। इसका फैक्टर क्या आया, 3 आया। तो 3 क्या है कि इन सभी का क्या है, एचसीएफ। 3 क्या आ गया मेरा, एचसीएफ। और इसने यहां पे देखिए, यहां पे कौन सा साइन लगाया था, डिवाइड का। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 3, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 120। तो 120 नंबर है। अब स्टूडेंट्स अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन करना उतना आसान नहीं रहेगा आपके लिए। आपकी एकदम फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए कि क्या एलसीएम होगा, क्या एचसीएफ होगा। उसकी बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कोर्स के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ को समझाया है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़ा टफ भी आते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा कि अगर आप कोर्स से पढ़ लेते हैं तो। यूट्यूब पे भी काफी लेक्चर मैंने डाले हैं, लेकिन कोर्स के अंदर क्या स्टेप बाय स्टेप मैंने चीजों को समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और चलिए। पांचवा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो कि 2016 में आया था आपके एग्जाम में, किस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इन ए स्कूल देयर आर 360 स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट है, 360 स्टूडेंट्स है, ये लिखा गया है यहां पे। आउट ऑफ विच 2/3, यहां लिखा है आउट ऑफ विच 2/3 आर गर्ल, जो 2/3 है वो गर्ल है, एंड रेस्ट आर बॉयज, और जो बच्चे हैं वो बॉयज है। 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ, भाई यार चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। 2016 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो 2016 का ही पेपर फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या, इन ए स्कूल देयर आर 360 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 2/3 आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर्स, द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर्स इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोग समझ भी गए होंगे, चार ऑप्शन दिए गए। तो देखो इसका तरीका एक तो ये हो सकता है कि आप सीधा सीधा चले, जो इसने कहा भाई 360 स्टूडेंट थे जिसमें से 2/3 का मतलब क्या हुआ, 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टोटल जो है 360 थे, 360 का 2/3 क्या है, गर्ल्स है यहां पे, तो मैंने गर्ल्स फाइंड आउट कर ली, कितनी हो गई, 240। अब स्टूडेंट्स अगर 360 में से, अब बात आती है बॉयज की, अब अगर 360 में से 240 तो गर्ल्स हैं, तो जाहिर सी बात है बॉयज कितने बचेंगे, 120। अब इसने आगे एक बात और कही है कि 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेयर। अब अगर बात ये देखें कि भाई कितना है, 120 है। अब 120 का अगर मैं कितना कर दूं, आप लोग देखिए 3/4 कर दूं, 120 का अगर 3/4 में कर दूं तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 90। तो जो 90 बॉयज हैं, 90 बॉयज हैं वो प्लेयर हैं, जो 90 बॉयज हैं वो क्या है, प्लेयर्स हैं। बात समझ में। अब इसने कहा द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट प्लेयर। अब टोटल तो बॉयज 120 है और 120 में से 90 तो प्लेयर है, खेलते हैं, इसका मतलब जो 30 है वो क्या है, प्लेयर नहीं है। इसने ये तो पूछा कि कौन प्लेयर नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। बताइए समझ में आई बात या नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए 2016 के पेपर में, अगर ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इस तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं यहीं पे आपको बताऊं कि 2016 के पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे, कहां से, मैथ से 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। इस 10 में से 5 क्वेश्चन तो मैंने आपको आज कराए, 5 क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको। मुझे उम्मीद है ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि इस तरीके से मैं आगे थोड़े दिन चलने वाला हूं, जिससे कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनका थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमने फोन नंबर दिया हुआ है, पहले आप फोन नंबर पर कॉल करिए,
किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई भी मान लीजिए आप किसी और तरीके से मैथ को करना चाहते हैं तो कमेंट करिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें। किसी ने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, आपका अपना चैनल। और आप लोगों को पता है कि EduTap का जो मटेरियल होता है CTET के लिए वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग भी इस पे बड़ी मेहनत करते हैं तभी वो बेस्ट हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का मटेरियल ऐसे सिक्वेंस वाइज मटीरियल आपको कहीं पर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट का स्पेशलाइज है, ऐसा नहीं है कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैं मैथ पैडागोजी भी पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस पैडागोजी भी पढ़ा रहा हूं, मैं CDP, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीचर मैथ पढ़ा रहा है वो मैथ ही पढ़ाएगा, जो CDP पढ़ा रहा है वो CDP पढ़ाएगा। तो क्या होता है कि ऑलराउंडर यहां नहीं है, यहां क्या है कि जो बैट्समैन है वो बैट्समैन है, जो बॉलर है वो बॉलर है। ऑलराउंडर ज्यादा लंबी पारी खेल भी नहीं पाते हैं या ज्यादा लंबी बॉलिंग कर भी नहीं पाते, आपको पता ही है कि अगर क्रिकेट की बात करें तो। स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स जो आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा टारगेट है कि हम लोग बहुत जल्दी 2 या 3-4 दिन में हम लोग 30,000 तक पहुंच जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे 50,000 तक कितनी जल्दी लेके जाते हैं, 50,000 तक। अब जिस दिन 50,000 हो गए, याद रखना एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, बहुत अच्छी बात, हम लोग अभी बैठ के बात कर रहे थे, ठीक है, इसमें हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा। क्या सहयोग चाहिए होगा मैं बता देता हूं, ठीक है। जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर हो गए, जिस दिन 50,000 सब्सक्राइबर हो गए उससे 1 मंथ के बाद हम लोग KVS का कोर्स लॉन्च कर देंगे, KVS का कोर्स लॉन्च कर देंगे आफ्टर 1 मंथ, ये चीज याद रखना, आफ्टर 1 मंथ। और KVS के कोर्स पे हम लोग अभी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोर्स बना रहे हैं। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर यहाँ पे हो जाएं, तो थोड़ा सा आप भी साथ दें। और स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे, हम लोग भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी दुआएं आपके साथ है कि आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।